सिख पंथ दे बानी पहली पातशाही धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने अपनियां उदासियां दौरान बहुत सारियां थावां ते लोकां नूं उपदेश दे के सिद्धे राह पाया। उन्होंने कई योगियां पीरां मुल्लां काजियां अते पंडतां दी अज्ञानता नूं भी दूर किया। एक बार श्री गुरु नानक देव जी लोकां दे मन विच गुरबाणी नाल ठंड बरसाउंदे होए कन्न पट्टे योगियां दे डेरे तिल्ला बाल गुदाई पहुंचे। इस डेरे दा मुखी अपने डेरे विच आए साधु संतां अते मेहमाना दी कपड़े अते रोटी पानी राही सेवा करदा सी। ओ खुद बहुत ही सादे कपड़े पहनदा सी अते सादा खाना खांदा सी। श्री गुरु नानक देव जी इन्हां दी इस सेवा भावना तो बहुत खुश होए। गुरु जी ने इन्हां नूं उपदेश दिता कि योगी जी, सच्चा योगी बनन लई ए जरूरी है कि असी अपने मन दी वासना नूं रोक के परमात्मा दा सिमरन करिए अते अपनी करनी नूं परमात्मा नाल जोड़िए। डेरे दा मुखी गुरु जी दे विचारां तो प्रभावित होके उन्हां दा पक्का मुरीद बन गया। नाल ही डेरे दे मुखी ने गुरु जी दे उपदेश नूं अपने जीवन विच तार के अपना जीवन सफल कर लिया।